हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि सेल बायोलॉजी यूनिट से हैं और आपके सीएसआईनेट लाइफ साइंस के एग्जाम में जो कई बार पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में अगर आप देखें तो उस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिलता है। तो कुछ 10 टाइप के क्वेश्चन मैंने इस तरीके से निकाले हैं जिनके मैंने अलग अलग ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चांसेस हैं जो कल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें भी इन तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होने के, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए देखते हैं। पहली स्लाइड में जो क्वेश्चन डाला है मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये सेल साइकिल से है, सेल साइकिल रेगुलेशन से है। तो पहले दो टॉपिक जो आपको समझने हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो है सेल साइकिल और सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल में जो फेजेस अलग अलग होती हैं उन फेजेस को रेगुलेट करने से जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग CDKs काम करते हैं और CDKs को एक्टिवेट करने वाले या इनहिबिट करने वाले जो काइनेजेस होते हैं उनका क्या एक्ट रोल होता है उस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो पहले ये दो टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है September 22 में 4 मार्क्स में पूछा गया। अगेन ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है, इन्वॉल्व इन अचीविंग टाइट रेगुलेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, जो एग्जैक्टली सेल साइकिल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे तो रिएक्टिव टेबल वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको CDKs APC CDK2 अरोरा बी दिया गया है और सेकंड में इनका सेल साइकिल में एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है, कौन सा साइटोकाइनेसिस में कौन सा एस फेज इंटरिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। आपको पता है अलग अलग साइक्लिंस होती है और अलग अलग CDKs होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है तब सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपकी है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे September 22 में अगेन सेल साइकिल फेज पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी September 22 फर्स्ट सेशन में पूछा गया, ये भी आपका सेल साइकिल रेगुलेशन का ही क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये भी सेल साइकिल से ही क्वेश्चन है जो आपका June 21 सेशन फर्स्ट में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका अगेन सेल साइकिल रेगुलेशन से ही कनेक्टेड है, June 21 सेशन 2 में भी पूछा गया। तो आप देख सकते हैं सेल साइकिल की फेजेस हैं और सेल साइकिल जो रेगुलेशन है जितने भी फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करें सेल साइकिल में ही अभी और क्वेश्चन आप देख सकते हैं June 21 से शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जो अलग अलग काइनेजेस हैं P27 P21 CAK V1 काइनेज, इन सब का रोल आपको November 20 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के रिपीटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। अगले जो दो टॉपिक हैं ये कैंसर है और कैंसर का टाइप है, एग्जैक्टली कैंसर है, कैंसर टाइप है और कैंसर थेरेपी है। इन तीन टॉपिक से क्वेश्चंस खूब रिपीट हुए हैं अगर आप देखें तो। ये पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं ये भी कैंसर से रिलेटेड है, एबनॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रोटीन इन ह्यूमन कैंसर्स। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे ये भी आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैंसर इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। दूसरा जो मैंने टाइप ऑफ कैंसर की बात करी यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्सिनोमा सार्कोमा ल्यूकेमिया लिम्फोमा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें ल्यूकेमिया सार्कोमा कार्सिनोमा मेलानोमा, तो ये भी कैंसर टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं September 22 में इस शिफ्ट में और September 22 के इस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखेंगे तो December 18 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्सिनोमा ल्यूकेमिया टेट्राकार्सिनोमा कहाँ पे किस तरीके का रिलेशनशिप है, किस टाइप में कौन सा आता है। इसमें आप देख सकते हैं June 20 में डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाई, किस तरीके से ट्यूमर को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट जो टाइपोलॉजी है ये कैंसर थेरेपी पे है, कैंसर ट्रीटमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, उनका रेगुलेशन है। तो अगले आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये सभी आपके अगेन कैंसर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ये 4 टॉपिक्स आपके थे। अगले कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कुछ कॉम्पोनेंट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, चाहे IKM VKM की कॉन्सेप्ट आपकी हो या डिफरेंट काइंड ऑफ कोलेजन है या ECM में लैमिनिन है ना, कोलेजन है, इन सब मॉलिक्यूल्स पे कैडेरिन है, कैडमोलिन है, इन सब पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कोलेजन पे एक क्वेश्चन, ये सेकंड टाइम भी कोलेजन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये भी ECM का ही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स, तो इसमें भी कैडरिन है, विट्रोनेक्टिन है, लैमिन है, सेलेक्टिन है, ये सब भी अलग अलग टाइप के ECM के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बार बार रिपीट होता है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मोसोम, इन सब के फंक्शन क्या होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं June 21 का क्वेश्चन है और ये आपका September 21 का क्वेश्चन है जो ECM के रोल पे रिपीट करके पूछा गया है। अगेन December 18 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा, IKM, सेलेक्टिन, इन पे क्वेश्चन आए हैं। ये मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जहाँ पे आपको एक कॉलम में ECM का नाम दिया जाता है, दूसरे कॉलम में उनका रिलेटिव फंक्शन दिया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी आपका ECM से है कि ECM का पार्ट कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं टाइट जंक्शन, एड्रेन जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन से है जो ECM का पार्ट है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। अगली जो टाइपोलॉजी है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की टाइपोलॉजी है, उसमें आपको मिलते हैं क्वेश्चन कुछ प्रोटीन शॉर्टिंग और ट्रैफिकिंग के। प्रोटीन शॉर्टिंग और एंड ट्रैफिकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ देखने को मिलते हैं, और इसमें भी कुछ टाइपोलॉजी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक जो वेसिकल बेस्ड ट्रैफिकिंग है, वेसिकल बेस्ड ट्रैफिकिंग है, और इसके अलावा जो सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग है प्रोटीन की, इन पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाली हूँ तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स, कॉप वन, कॉप टू एंड क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू ऑर्गेनेल का ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। तो इस पे क्वेश्चंस आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप सितंबर 22 में देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप जून 21 में भी दे सकते हैं। ये भी आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग से, जिसमें अलग अलग तरीके के कार्गोज और क्लैथरिन और कॉप वन कॉप टू कोटेड वेसिकल्स की बात की गई है। अगले क्वेश्चन को आप देखें, जो मैंने सेकंड टाइपोलॉजी आपको बताया जून 21 में, जो सिग्नल बेस्ड सिग्नल सीक्वेंसेस जो प्रोटीन को डायरेक्ट करते हैं उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे, उन पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसमें लाइक आपको पूछा गया है न्यूक्लियस के इंपोर्ट के लिए कौन सा सिग्नल होना चाहिए। ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। KDL रिसेप्टर की बात की गई है, KDL सीक्वेंसेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के सीक्वेंसेस में आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे जो प्रोटीन मूव कर रही होती है उसमें आपको KDL सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपके सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग का ही है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोगिजोम, इसमें कौन से प्रोटीन में किस तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं, कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिससे कि ये प्रोटीन एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे टारगेट की जाती है। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कार्गोज का रोल आपसे पूछा गया है, जो कोटेड वेसिकल्स की कॉन्सेप्ट हमने भी डिस्कस की थी। और अगले क्वेश्चन में भी आप फिर देख सकते हैं जो कॉपन क्लैथरिन कोटेड एंड जो अभी हम लोगों ने प्रोटीन शॉर्टिंग सिग्नल्स की बात करी थी वो आपको यहाँ पे दिया गया है। लाइक क्लैथरिन कोटेड वेसिकल, कॉपन कोटेड वेसिकल एंड किसमें आपको सिसगाल्जी, ट्रांसगाल्जी, किसमें किस तरीके का एंटीरोग्रेड या रेट्रोग्रेड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी रिपीटेड है। अगला एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी रिपीटेड दिखा वो मुझे दिखा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का, जो प्रोटीन्स न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होती है उसमें रैन GTPase का, रैन GDPase का क्या रोल होता है, किस तरीके से एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, कितने साइज के प्रोटीन्स इसमें एंटर कर पाते हैं एक्सेट्रा। तो इस पे भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं जून 21 में पूछा गया है, प्लस आप जून 21 में एक टू मासा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट आपका इसी दिसंबर 19 में पूछा गया, ये भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल से है, ये भी आपका न्यूक्लियस में जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रही है उन्हीं पे पूछा गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपको RTKase सिग्नलिंग से और GPCR सिग्नलिंग से देखने को मिलते हैं। GPCR सिग्नलिंग और जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस पे भी क्वेश्चंस आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड देखने को मिलते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जून 21 का, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं RTKase का नवंबर 20 का है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जून 21 का है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये दिसंबर 19 का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जून 21 सेकंड सेशन का है GPCR RTKase का, अगला क्वेश्चन भी आपका सितंबर 22 का है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड होता है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी रिपीट होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको खूब मिलते हैं कि किस तरीके का मॉलिक्यूल है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, लिपिड ड्राफ्ट्स क्या है, लिपोसोम क्या है वगैरह वगैरह। तो इस पर भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सितंबर 22 का, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिपिड ड्राफ्ट पे नवंबर 20 में पूछा गया है, अगला फिर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो था फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड नवंबर 20 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ECM के भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपको फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सेल बायोलॉजी यूनिट में। मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को और जो थ्योरी है इनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ऑब्वियसली आगे आने वाले जो जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट ऐसे और वीडियोस भी हम आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।